अस्सलाम वालेकुम क्लास, टुडे इज़ आवर टॉपिक इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट। अब क्लास हमारे पास न्यू चैप्टर हमारा स्टार्ट हो गया था, चैप्टर नंबर 14, और इसका ये फर्स्ट लेक्चर है। इसका हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ जाता है ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। कि क्लास सॉइल के अंदर जो हमारे पास वाटर होता है उसी के अंदर मिनरल प्रेजेंट होती हैं, और जो हमारे पास प्लांट होता है वो क्या करता है, वो रूट्स के जरिए इस मिनरल वाले वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम लोग सैप बोलते हैं। जो मिनरल जो वाटर होता है उसके अंदर मिनरल प्रेजेंट होता है, जिसको क्या करता है प्लांट अपटेक करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सैप। अब क्लास हमारे पास सैप किस तरह, जो प्लांट होता है वो इस सैप को किस तरह लेता है, वो हम लोग देखते हैं इस टॉपिक के अंदर। अब क्लास इन्होंने कहा है कि हमारे पास जो प्लांट की रूट्स होती हैं वो दो काम मेन हमारे पास कर रही होती है। नंबर वन, एंकरिंग प्लांट बॉडी टू सॉइल इन सॉइल, यानी कि वो क्या कर रही होती हैं, सॉइल के अंदर प्लांट की बॉडी को के अटैच करवा रही होती हैं। नंबर टू हमारे पास क्या हो रहा होता है, उन्होंने कहा वाटर और मिनरल जो कि सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो भी कौन, रूट्स जो सी हैं वो अब्जॉर्ब कर रही होती हैं और पूरे प्लांट के अंदर उसको आगे ट्रांसफ़र करती हैं। अब क्लास उन्होंने कहा है कि हमारे पास थ्री टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट जो से होते हैं वो प्लांट को चाहिए होते हैं, बिसाइड लाइट, यानी कि लाइट के अलावा क्लास उसको तीन न्यूट्रिएंट मेन चाहिए होते हैं, जिसे प्लांट अपने न्यूट्रिएंट की नीड जो सी होती है वो पूरी करता है। नंबर वन, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है और मिनरल्स चाहिए होते हैं, जिससे वो क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है। अब इन्होंने कहा है क्लास इससे क्या और कौन से प्रोसेस से ग्लूकोज हमारे पास बनता है, फोटोसिंथेसिस से। अब क्लास उन्होंने कहा लाइट तो उसको सनलाइट जो सी होती है वो मिलती है, जबकि ये तीनों चीज़ें जो सी हैं उसको कहाँ से मिलती हैं, ये उसको रूट से मिलती हैं। और क्लास अब रूट्स की तीन जो सी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी वजह से क्या करते हैं, जो प्लांट है उसको ये कंपोनेंट मिलते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और मिनरल है। अब क्लास उस रूट की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या होती हैं, नंबर वन इसके पास क्या होता है, अब क्लास प्रॉपर्टी नंबर वन है कि इस रूट्स के अंदर क्या होती है, एक्सटेंसिव ब्रांचेज होती हैं, यानी कि ब्रांचिंग होती है, यानी कि इसमें क्या होता है, एक ब्रांच से फर्दर आगे जो हमारे पास ब्रांचेज जो सी होती हैं वो इससे निकल रही होती हैं। जैसे क्लास हमारे पास मेन ब्रांच से क्या है, पहले दो ब्रांचेज निकली हैं, फिर उसी ब्रांच एक ब्रांच से फर्दर जो सी है वो ब्रांचिंग होती चली गई है। नंबर टू क्लास प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है लार्ज सरफेस एरिया, क्योंकि क्लास इन ये ब्रांचेज जो सी होती हैं इनकी रूट की जो ब्रांचेज होती हैं ये क्या करती हैं, ये सॉइल के अंदर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं, तो क्लास इनका सरफेस एरिया जहाँ जहाँ तक ये फैली होती हैं वो सारा का सारा इनका सरफेस एरिया होता है, और इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा होता है ताकि क्लास ये क्या करें, ये दूर से मिनरल और वाटर जो हैं वो एब्जॉर्ब करके प्लांट को पहुँचा सकें। नंबर थ्री क्लास प्रॉपर्टी आ जाती है डेंस, यानी डेंस क्लस्टर ऑफ टाइनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। डेंस का मतलब होता है थिक, यानी कि क्लास इसके अंदर थिक क्लस्टर्स बने होते हैं, गुच्छे बने होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर की। जैसे क्लास इसके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे हमें हेयर्स नज़र आ रहे हैं, तो क्लास इसके अंदर थिक जो से हैं वो हमें हमारे पास हेयर लाइक क्लस्टर्स, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो से होते हैं उसके क्लस्टर गुच्छे नज़र बने होते हैं। और क्लास इन्होंने कहा है कि ये जो हमारे पास हेयर लाइक क्लस्टर्स होते हैं ये एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मल सेल ऑफ रूट है, यानी कि क्लास रूट्स जो सी होती हैं उनके सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो एपिडर्मस होता है सबसे बाहर, उसी के अंदर से क्लास ये हेयर्स जो से हैं वो बाहर निकले होते हैं। तो क्लास ये तीन हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं रूट्स की। अब क्लास ये जो रूट्स हेयर मैंने पहले बताए ये क्या करते हैं, उन्होंने कहा ज़्यादातर अपटेक जो सा होता है वाटर और मिनरल्स का वो किसके ज़रिए हो रहा था, ये रूट्स हेयर जो से होते हैं ये अपटेक कर रहे होते हैं वाटर और मिनरल का। और उन्होंने कहा क्लास प्लांट को जितने भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो किसकी हेल्प से बनाते हैं, तीन चीज़ों की मदद से बनाते हैं। नंबर वन क्लास कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वो एयर से लेते हैं उसकी मदद से बनाते हैं। नंबर टू लाइट एनर्जी जो कि सनलाइट सूरज से लेते हैं, सन से लेते हैं। नंबर थ्री मिनरल एंड वाटर जो कि कहाँ से लेते हैं, वो सॉइल से लेते हैं। तो क्लास इन तीनों चीज़ों से इन्होंने कहा इन्हें जो भी कंपोनेंट रिक्वायर्ड होता है ये क्या करते हैं, वो खुद उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। अब क्लास इन तीनों चीज़ों में से लाइट एनर्जी सन से मिलती है, ये और एयर से मिलता है, जबकि ये दोनों वाटर और जो मिनरल होते हैं वो सॉइल से लेते हैं। और सॉइल से किस तरह लेते हैं, उन्होंने कहा है क्लास कि ये रूट के जरिए जो उनसे हैं वो सॉइल से मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और क्लास इन्होंने कहा है रूट के जो एपिडर्मल सेल होते हैं, यानी कि क्लास अगर ये हमारे पास जो उनसे हैं ये रूट्स होती हैं तो रूट्स की क्लास जो बाहर वाली सबसे लेयर होती है उसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। ये जो क्लास हमारे पास एपिडर्मल सेल होते हैं रूट्स के, ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं बल्क फ्लो के अंदर। बल्क फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर प्रेशर टू द एरिया ऑफ लोअर प्रेशर थ्रू एनी ओपनिंग और पोर, यानी कि क्लास बाहर मिनरल और वाटर की अमाउंट क्या होती है, ज़्यादा होती है सॉइल के अंदर, जबकि अंदर क्या होती है रूट्स के कम होती है, तो वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के अंदर जाते हैं पोर्स के जरिए या किसी ओपनिंग के जरिए, उसको हम लोग बल्क फ्लो कहते हैं।